प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 27 अक्टूबर को यूपी में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को कर्ज देंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यूपी में लगभग 3.5 लाख दुकानदारों को ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लगभग 6.25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। ये योजना पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आवेदक अपना आवेदन पत्र खुद अपलोड कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, नगर निकाय ऑफिस या किसी बैंक की शाखा में जाकर भी आवेदन पत्र को अपलोड किया जा सकता है। 1 साल के भीतर इस लोन को चुकाना होगा। नवमी के मौके पर मुख्यमंत्री और गोरखपुर के गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में कन्या पूजा की। उन्होंने परंपरागत तौर से 9 कन्याओं और 1 बटुक भैरव की पूजा की और अपने हाथों से भोजन कराया। कन्या पूजन के लिए पहले 12 बजे का समय तय था, लेकिन दोपहर 12:15 बजे तक ही नवमी तिथि होने की वजह से ये पूजा 9 बजे ही हो गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति में मातृशक्ति की आस्था रही है, इसी का ये प्रतीक है। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूँ। हमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम अभी सम्पन्न हुआ है। इस अवसर पर नव दुर्गा स्वरूप भी अपनी सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके पूजन का एक कार्यक्रम सम्मान संपन्न हुआ है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज का मतलब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भय और भ्रम का माहौल है। बांदा में टीचर के 8 साल के बेटे का अपहरण और हत्या की घटना विचलित करने वाली है। फिरोजाबाद में 16 साल की लड़की के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि हत्या, लूट, अपहरण और रेप का बोलबाला है। बेतहाशा महंगाई, विकास का ठप होना, बेकारी, बेरोजगारी, किसानों की बर्बादी से जिंदगी दूभर हो गई है। फर्जी इनकाउंटर, निर्दोषों के जीवन के साथ खिलवाड़ पर सरकार को कोई अफसोस नहीं है। अपराधी पुलिस पर हाथ उठाने से नहीं डरते। पीलीभीत में 3 सिपाहियों को पीटने के बाद उन्हें विधायक निवास के बाहर अधमरा छोड़े जाने की शर्मनाक घटना घटी है। ऐसी पुलिस जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएगी? उन्होंने कहा कि योगी राज में दलितों पर अत्याचार काफी बढ़ गए हैं। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपने उम्मीदवार के समर्थन में रैली में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी को कोरोना के बहाने प्रदेश को लूटने वाली पार्टी बताया। लल्लू ने सपा और बसपा को मौका परस्त भी बताया। लल्लू ने कहा कि सपा बसपा जब भी अत्याचार की आवाज उठाने की बात होती है, ये घर से बाहर तक नहीं निकलते। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब भी जनता के हित की बात आई, सड़क पर सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही नजर आए, सपा और बसपा घर में ही दुबकी रही। लल्लू ने कहा कि वो 3 महीने में 40 बार जेल जा चुके हैं, सरकार ने उन पर 55 मुकदमे डाल दिए हैं, फिर भी जनहित में उनका संघर्ष जारी रहेगा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करने वाली जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सईद को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने पाकिस्तान जाने को कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 और तिरंगे को लेकर महबूबा इमरान खान और राहुल गांधी की भाषा बोल रही है। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग हैं। ये कभी नहीं चाहते कि अखंड भारत और भाईचारा बना रहे। आज पहली बार नजरबंदी से बाहर आकर उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली है, वो साफ दर्शाता है कि वो इमरान खान और राहुल गांधी की भाषा बोल रही हैं, बल्कि हम यूं कहें कि पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा बोल रही हैं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग हैं। ये कभी नहीं चाहते कि अखंड भारत और भारत में सौहार्द और भाईचारा बना रहे। हमेशा भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। सोमवार से सभी सरकारी स्कूलों के लिए नए चुने गए 31,277 असिस्टेंट टीचरों को इसी महीने बता दिया जाएगा कि उन्हें किस जिले के किस स्कूल में जाकर पढ़ाना है। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन विद्यालय आवंटन के लिए काउंसलिंग कराएंगे। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड सॉफ्टवेयर के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी है। जिलों में शिक्षक और विद्यालयों की निशानदेही कराई जा रही है। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 29 और 30 अक्टूबर को पूरी होगी और नई तैनाती पर 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच जिम्मा संभालना होगा। योगी राज में प्रशासन का ऑपरेशन क्लीन जारी है। में बाहुबली मुख्तार अंसारी गैंग के मोहम्मद आजम के अस्पताल शम्मे हुसैनी अस्पताल को ढहा दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के लिए काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। इसकी वजह से आजम गुट विरोध नहीं कर पाया। शहर कोतवाली के हमीद सेतु के पास और गंगा के ठीक किनारे बनाए गए शम्मे हुसैन अस्पताल पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इससे पहले संगम नगरी प्रयागराज से सटे नैनी के गंजिया गांव के रहने वाले हिस्ट्री शीटर पप्पू गंजिया उर्फ मोहम्मद जावेद की भी इमारत सरकार ने गिरा दी। पप्पू के खिलाफ 31 साल पहले मर्डर का केस चला था, लेकिन वो एक के बाद एक हत्याएं करता रहा। पुलिस के मुताबिक उस पर 19 मामले दर्ज हैं। उस पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। पीडीए ने पप्पू गंजिया के फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया। हमीरपुर के जलालपुर इलाके के बिलगांव गांव के मजरा कचरा डेरा में बजरंगबली मंदिर के बुजुर्ग पुजारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पंडित जी अस्पताल जाते समय रास्ते में 2 लोगों के बीच हो रहे झगड़े को निपटाने गए थे। हत्या के बाद पुलिस ने बाइक और बुलेरो को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। भीड़ की सूचना पर पुलिस आई तो ट्रैक्टर ड्राइवर भाग निकला। पहले पहचान भी नहीं हुई थी उनकी, कोई जानता नहीं था नाम। पहचान कराने का प्रयास किया गया, पहचान पता चला, उनका नाम वगैरह पता चला, कहाँ रहते थे पता चला। फिर पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, तो पता चला कि दोनों
जो एक्सीडेंट में लोगों से विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद जो झगड़ा हुआ उसमें मारपीट में इनको भी बचाने को पाई। उत्तर प्रदेश के बागपत के रमाला थाने में तैनात दारोगा इतिसार अली ने सस्पेंड होते ही अपनी लंबी दाढ़ी कटवा ली। इसके बाद वो एसपी अभिषेक सिंह के सामने पेश होकर माफी भी मांगी, जिसके बाद उन्हें बहाल कर दिया गया। दारोगा इंतिसार अली की फिर से रमाला थाने में तैनाती कर दी गई। दरअसल पुलिस सर्विस रूल्स का उल्लंघन करने के आरोप में दारोगा इंतिसार अली को सस्पेंड कर दिया गया था। एसपी के मुताबिक उन्हें 3 बार दाढ़ी कटवाने की हिदायत दी गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर उन्हें दाढ़ी रखनी है तो इसके लिए विभाग से अनुमति लेनी होगी। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने न तो कोई जवाब दिया और न ही दाढ़ी कटवाई थी। बागपत में सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उनके द्वारा बिना अनुमति दाढ़ी रखी जा रही थी। आज सब इंस्पेक्टर इंतजार अली द्वारा अपनी दाढ़ी कटवाने के बाद मेरे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा पुलिस मैनुअल एवं सीनियर ऑर्डर्स का पालन करते हुए दाढ़ी कटवा ली गई। इस पर उनके बहाली के आदेश दे दिए गए हैं और उन्होंने एक्टिव ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब ट्रेन में कोई महिला अकेले सफर कर रही है तो अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी सुरक्षा मेरी सहेली करेगी। इस अभियान के तहत स्टेशन पर 5-5 RTF की महिला सिपाहियों की 3 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें 24 घंटा सुरक्षा और जागरूकता का अभियान चलाएंगी। शताब्दी, श्रम शक्ति, गोमती, चौरी चौरा, झांसी इंटरसिटी समेत करीब 1 दर्जन गाड़ियों में महिला यात्रियों से टीम बात करती है। जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी वहाँ RPF महिला सिपाहियों की टीम महिला यात्रियों से संपर्क कर उनका हाल पूछेगी। सफर के दौरान किसी भी तरह की समस्या होने पर महिलाएं कंट्रोल रूम नंबर 182 पर कॉल कर सकती हैं। इसको हम लोग पूरे देश में भी ये अभियान स्वरूप इसमें कार्य किया जा रहा है और हम लोग पहले तो चिन्हित ट्रेनों को तो एंड टू एंड हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम और भी जो हमारी ट्रेनें चल रही हैं उसमें जितनी भी हमारी महिलाएं यात्रा कर रही हैं तो हम उनको भी अवेयर कर रहे हैं, उनके साथ अपने नंबर को हम शेयर कर रहे हैं और कोई भी कैसे भी सुरक्षा की अगर आवश्यकता है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।